हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ एक स्टिचेस की मॉडिफिकेशंस बताऊंगी। आप उन मॉडिफिकेशंस को सीख के बहुत ब्यूटीफुल से बॉर्डर्स बना सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने कश्मीरी बॉल स्टिच जो है वो बनाना सिखाया था, आज हम उसकी एक मॉडिफिकेशन सीखेंगे। तो इसको हम एंकर के थ्रेड से वर्क कर रहे हैं। ये देखें, हम 0143 और 0433 दो कलर्स लेके उनसे हम एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। सबसे पहले हम ये सेंटर लाइन को यहाँ पे टकिंग कर देंगे। यूं टकिंग करने के बाद हम इन दोनों लाइंस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे इस सेंटर लाइन को टक करते जाएंगे। इसको बिल्कुल इसके सामने यहां पे टकें। अब हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये देखें, इतना डिस्टेंस लेंगे और इसके अक्रॉस फिर से यूं टकिंग करेंगे। बस इतने डिस्टेंस पे हमने सारी लाइन पे टकिंग कर लेनी है, इस तरीके से। आप यूं अगर थ्रेड को पकड़ के सामने रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने कहां पे टकिंग करनी है। आप स्केल की मदद से यूं निशान लगा के भी ये वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, आप आराम से भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम मैं इसको पहले पूरी लाइन को टकिंग कर लूंगी। तो देखिए, ये पूरी लाइन पे हमने टकिंग कर ली है। टकिंग करने के बाद हम ये सेकेंड जो हमारा कलर है उसको लेंगे और ये सेंटर वाली जो हमारी लाइन है इसके साथ इसको यूं यहां पे नीडल को निकालेंगे। यूं निकालने के बाद हम ये जो 1, 2 और 3 स्टिचेस हैं इनको छोड़ के सेंटर लाइन को उठाएंगे ऐसे। और इधर से इसको अच्छे से खींचेंगे और इधर से फिर से हम ऐसे ही इस थ्रेड को नीचे से निकालेंगे। यूं अब हम इस थ्रेड को इस लाइन के ऊपर 6 टाइम रोटेट करेंगे। एक टाइम हो गया, ये सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5। हर एक रैप पहले रैप से बाहर एडजस्ट होना चाहिए और उसको उतने ही प्रेशर से खींचना है जिससे ये बिल्कुल ब्यूटीफुल सी लुक दे, ना बहुत ढीला ना बहुत सख्त, और बाहर वाले जो हमारी लाइन है उससे बाहर। ये हमारा 6th स्टिच है, इसको भी हम यूं ही यहां से रोटेट करते हुए इधर से पास करेंगे। यूं राउंड बनाने के बाद हम इसको यहां पे टकिंग कर देंगे। ऐसे। उसके बाद ये जो स्टिच है इसको आगे करेंगे, यहां से हम नीडल को निकालेंगे और फिर से उसी तरीके से हम 3 स्टिचेस को उठाते हुए यूं बॉल बना लेंगे जैसे हम कश्मीरी बॉल स्टिच में बनाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से
इधर से भी हम नीचे से नीडल को पास करेंगे और पहले स्टिच को थोड़ा कस के बनाएंगे ताकि ये राउंड जो है वो ब्यूटीफुल बने। ये देखिए, हर रैप को पहले रैप के बाहर हमने एडजस्ट करना है। ये देखिए, इसको इसके बाहर यूं और थोड़ा सा इसको प्रेशर से खींचना है, ना बहुत ढीला रहे ये स्टिच जो है, ना हमारा बहुत ढीला रहे और ना ही बहुत कस जाए। हमने इसको इस तरीके से यहां से रोटेट करना है। रैप्स हमने काउंट करके ही लेने हैं। फोर, ये फिफ्थ स्ट्रैप, ये लास्ट हमारा सिक्स रैप। इसको हम यहां पे नीचे ही टकिंग कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने इसको पूरी लाइन को इन रैप्स के साथ कवर कर लेना है। बस हमने थ्री स्टिचेस को ही उठाना है और यूं रैप्स बनाते जाना है। फोर, ये फाइव, ये सिक्स, यहां हमने इसको टकिंग कर देंगे नीचे। तो देखिए ये कितने सुंदर राउंड बन रहे हैं। हमने इसको एंड तक वर्क करना है। ये देखिए, ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसको भी हम यूं ही रैप करेंगे। पहले स्टिच को हम थोड़ा कस के रखेंगे ऐसे और उसके बाद रैप्स जो है वो इसके चारों तरफ लेंगे और एंड में इसको यहां इसके बेस पे टकिंग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर जो है वो बनता है। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी कुर्तीज पे, बाजू पे, कहीं पे भी आप ये बॉर्डर बना सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो इसके दोनों तरफ यूं तीन तीन फ्रेंच नॉट्स भी लगा सकते हैं ताकि बॉर्डर थोड़ा और ब्रॉड और सुंदर बन जाए। तो एक और मॉडिफिकेशन सीखेंगे, ये हम डबल शेडेड थ्रेड के साथ बना रहे हैं। ये ग्रीन कलर का डबल शेडेड थ्रेड है, इसको हम यूं पहले टकिंग कर लेंगे और ज्यादा बोल्ड इफेक्ट देने के लिए हम एक और इसके साथ लाइन लगाएंगे। अब इस पे हम ट्विस्टेड चेन स्टिच करेंगे। यूं साइड से हम नीडल को निकालेंगे और इसके अक्रॉस ऐसे टेढ़ा टेढ़ा स्टिच लेंगे और थ्रेड को हम यूं रैप करेंगे। और फिर उसके बाद दोबारा से हम इसके बिल्कुल पास और इधर भी इसके बिल्कुल साथ ऐसे स्टिच लेंगे और थ्रेड को हम इस नीडल के ऊपर यूं ट्विस्ट करेंगे। ऐसे फिर उसके साथ ऐसे ही निकालेंगे हम और थ्रेड को यूं रोटेट करेंगे। फिर नीचे से हम लेंगे, फिर इसके बिल्कुल साथ यूं और थ्रेड को यूं रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
कहीं पे, जैसे नेकलाइन पे भी हमने कहीं कभी ब्रॉड लाइन का इफेक्ट देना है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इससे बोल्ड भी बनता है और सुंदर भी लगता है। पूरी लाइन हम इसी तरीके से ट्विस्टेड चेन स्टिच के साथ वर्क कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ब्रॉड बॉर्डर के लिए आप इस स्टिच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस आपके एम्ब्रॉयडरी को चार चांद लगाती हैं। आप यूं ही अपनी इमेजिनेशन से नए स्टिचेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इन दोनों मॉडिफिकेशंस को जरूर ट्राई करेंगे। देख सकते हैं ये दोनों मॉडिफिकेशंस अपने आप में कितनी ब्यूटीफुल हैं। आप चाहें तो इनको और मॉडिफाई करके और भी ब्यूटीफुल सी क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।